हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ होंगे एकदम बढ़िया से होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं बना रही हूँ परी के लिए लंच, जो कि आज लंच बॉक्स नहीं दी हूँ उसे। मैं सोती रह गई हूँ 7:30 बजे तक, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो गया है आज। वो भी सोती रह गई है, परी भी नहीं जगी है, मैं भी नहीं जगी हूँ। 7:30 बजे जगी हूँ तो फिर उसे जल्दी से चाय बना के, चाय नाश्ता दे के उसे तैयार करके भेज दी हूँ स्कूल। तो अभी जो है लंच उसका तैयार कर दूंगी, और उसके पापा आ रहे हैं अभी ड्यूटी से, तो वो ले जाएंगे, दे आएंगे। उसके बाद मैं घर का काम धाम जो है अपना सारा शुरू करूंगी। पहले तो मैं उसका लंच तैयार कर दूं, क्योंकि 10 बजे हो जाता है उसका लंच, और अभी मैं अपने घर के कामों में अगर लग जाऊंगी तो काफ़ी टाइम हो जाता है। घर का काम धीरे 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 करते करते ही ना बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए पहले सबसे पहले उसका जो है लंच तैयार करूंगी। और मैं आलू की सब्जी देती हूँ उसे, तो अभी आलू काट ली हूँ मैं, और आटा मेंट के बस एक ही परांठा देना रहता है उसे, तो क्योंकि जो है ना। और सुबह जल्दी जो होता है ना, मैं जल्दी जग के बना देती हूँ उसका लंच, क्योंकि मैं सुबह उसे चाय नहीं देती हूँ, परांठे और दूध दे देती हूँ तो अपना पी खा के चली जाती है, क्योंकि ना चाय सही नहीं होता है बच्चों के लिए, इसीलिए। लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया है तो क्या करूँ, सोते रह गई हूँ। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है तो इसीलिए। और उसका लंच बॉक्स भी नहीं धुली हूँ, शाम में ही सारा बर्तन धो के रख देती हूँ मैं, लेकिन इसका लंच बॉक्स इसके बैग में ही रह गया था, मैं भूल ही गई थी। और ऐसे ही लेके ट्यूशन भी चली गई थी, वो भी नहीं बोली थी मम्मी निकाल दो, या आने के बाद भी मैं भी भूल गई थी, तो अभी सुबह निकाली हूँ। तो पहले इसका लंच बॉक्स धुल दे रही हूँ, और बस एक ही परांठा बनाऊंगी, हल्का सा दोनों तरफ से तेल लगा देती हूँ, नरम नरम रहता है तो खा लेती है, रोटी रहता है तो नहीं खाती है, और यही थोड़ा सा तेल लगा के दोनों तरफ से सेक देती हूँ ना तो खा लेती है फिर। और फिर इसके बाद घर का भी अभी मतलब खाना भी बनाना रहता है, हस्बैंड जी का दिन का ड्यूटी रहता है तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि फिर 6 बजे जगना ही तो जगना ही है, क्योंकि वो जाते हैं ड्यूटी, तो 6 बजे उनका भी रोटी बनाना रहता है, तो उसके बाद फिर सोती नहीं हूँ तो घर का काम भी अच्छे से हो जाता है। और थोड़ा सा जीरा डाल के, हल्दी नमक डाल के मैं इसका जो है सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि ये मेरा सूरज वाला अभी सब्ज़ी उतना खाती नहीं है, थोड़ा बहुत खा भी लेती है, लेकिन जो है ना बच्चों का स्कूल में देना रहता है ना उसे, तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ। और बाकी जो घर का झाड़ू पोछा है वो तो हो गया है, तो अभी यही थोड़ा सा गेहूं था तो मैंने सोची धुल दूं, ज़्यादा है नहीं, 7-8 किलो होगा गेहूं, तो इसीलिए। और इसमें चूहा है, देख रहे हैं आप लोग, निकाल रही थी मैं उसे, निकली नहीं रही थी तो मुझे डर लग रहा था, तो अभी यही है 7-8 किलो गेहूँ, वही मैं धुल रही हूँ, जो कि चल जाएगा इस महीने तक। इस महीने में ज़्यादा दिन है भी नहीं तो इस महीने में चल जाएगा, और अगले महीने हस्बैंड जी गाँव से गेहूँ ले आएंगे। गेहूँ ख़त्म हो गया है, और 2 कट्टा खरीद के लाए थे बाजार से, तो वही चल रहा था अभी, तो वो खत्म हो गया था, तो ये राशन का मिल गया था 7-8 किलो, तो वही है अभी इसे ही धुल रही हूँ। और जो कि नहीं ला रहे हैं बाजार से, इसलिए नहीं ला रहे हैं कि अब गांव में हो जाएगा तो 2-3 कुंटल एक ही बार मंगा लेती हूँ तो चल जाता है, काफी दिनों तक चल जाता है, तो इसीलिए। और मैंने भी बोली राशन मिलता ही है तो ले आ लीजिए इस बार, और क्या है खरीदना आटा जो है ना, दुकान का आटा खाने का इच्छा नहीं करता है, उसमें लगता है ऐसे ना आधा तो चावल मिलाए रहते हैं सब, इधर लोकल दुकान से ले आओ ना, अगर हाँ अगर कट्टे का ले आओ कहीं बड़े मार्केट वर्केट से तो वो सही रहते होंगे, लेकिन यहाँ पे खुले हुए देते हैं सब, तो फिर वो ना आधा तो ऐसे रहता है जैसे चावल मिला हो, सही से रोटी होता ही नहीं है, तो इसलिए हम तो गेहूं ही पिसवाते हैं घर पे ही। तो अभी यही थोड़ा है, धुल दे रही हूँ मैं फटाक से, और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो एक ही दिन में सूख जाएगा, जो कि इसे आए तो 2-3 दिन हो गया है, लेकिन मैं धुल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि सुबह के टाइम ना धूप इतना तेज़ निकल जाता है, छत पे जाने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी, लेकिन आटा जैसे ही ख़त्म हुआ तो फिर मजबूरी है, धोना तो पड़ेगा ही। और पहले ही हस्बैंड जी गांव में बोल दिए हैं कि गेहूं चाहिए, 2-3 क्विंटल तक मंगा लूँगी, तो 1-1.5 साल से ज़्यादा ही चल जाएगा हमारा, ज़्यादा खर्चा तो है नहीं, हम 2 ही 3 जनी हैं तो बस ज़्यादा चलता नहीं है, और मैं तो ज़्यादा चावल ही खाती हूँ, रोटी कम ही
खाती हूँ, हस्बैंड जी को ज़्यादा ही चाहिए रोटी दोनों टाइम, तो मतलब बस इतना तो हमारा चल जाएगा आराम से। और अभी छत पे अच्छे से झाड़ू लगा के गई थी, तो अभी धूल दे रही हूँ छत अच्छे से, इधर और इधर ही डालूँगी, बस किनारे ही रहेगा तो कि ताकि जैसे ही बस सूखे ये फिर तुरंत ही मैं उठा के इसे ले जाऊँ। और हवा भी चल रहे ना काफ़ी ज़्यादा, तो धूल उल मिट्टी उट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं छतों पर भी, लेकिन जो है अच्छे से ये सूख जाएगा थोड़ा ये ज़्यादा। और हाँ जो है ना लड़कियाँ या औरतें जो लड़की होंगी शादी करने वाली होंगी और औरतें होंगी, उनको मेरी एक सलाह है कि आप लोग कभी घर की जिम्मेदारी लेने की कोशिश मत करिएगा, घर की मालकिन बनने की कोशिश मत करिएगा अगर आपके घर में कोई बड़ा है आपसे तो, क्योंकि घर की जिम्मेदारी बहुत टेंशन वाला काम है। वो क्या है घर में क्या नहीं है, एक एक चीज़ के लिए सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, हर मतलब टेंशन भरा ज़िंदगी है ये घर की ज़िम्मेदारी और घर का मालकिन बनना, सच में तो आप लोग मत लेना ये टेंशन। धूप बहुत तेज़ है, अभी डाल रही हूँ, अब दोबारा मुझे लग रहा है नहीं आ पाऊँगी, सूखेगा या नहीं सूखेगा आज, आज तो वैसे सूख तो जाएगा लेकिन मैं दोबारा नहीं आऊँगी इसे चलाने के लिए। और यहाँ पे बड़ी वाली दीदी डाल रखी है अपना गेहूँ, और सांस फूल गया मेरा, इतना मोटा बोना बहुत बेकार है, ऊपर से खांसी आ रही है मुझे। और अभी जो है डाल दी हूँ, अब चलूँगी खाना बनाऊँगी नीचे, बहुत तेज धूप होने लग गया है, मौसम ही ऐसा है तो धूप तो होना ही है बहुत तेज। और अभी है ये सुबह का बर्तन, चाय का, परी का जो स्कूल गई है उसका, और सब्जी बना है वो भी एक दो बर्तन हुए हैं, तो अभी इन बर्तनों को धोऊंगी, उसके बाद बनेगा खाना, इतने आने का परी का टाइम हो जाएगा स्कूल से। अभी बस गए हैं दो और जा रही हूँ मैं बनाने अभी अपने लिए खाना और परी के लिए, मतलब रोटी तो बना था लेकिन चावल बनाऊंगी मैं। और ये वही सूट है जो मैं उस दिन सिलवाई थी तो धुली थी, मैं बता रही थी आप लोगों को, तो अच्छा सिली है जिसे सिलवाई हूँ, एकदम फिट आ रहा है, ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है कपड़ा जो ढीला डाला रहे थोड़ा थोड़ा सा, तो अभी बनाऊंगी। और ये जो छोटा सा ब्लॉग है यहीं पे ख़त्म करूंगी, क्योंकि और भी बहुत सारे काम है थोड़ा सा, तो वही करना है मुझे, ज़रूरी काम है, तो अब ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊंगी मैं, तो इसीलिए इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूंगी। और रील्स बना रही थी अभी मैं, तो अभी ये सब हटाना है, मेकअप सेकअप थोड़ा सा मेकअप सेकअप हो जाता है जब रील्स वील्स बनाती हूँ तो। और घर पे कुछ काम नहीं है तो जैसे घर का काम रहता है वही सब करके थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सब भी कर लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा टाइम पास भी हो जाता है। तो चलिए आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मीरा राय से आईडी है मेरा, तो ये ब्लॉग यहीं तक रहेगा, चैनल पे जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, और मिलते रहेंगे ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।